वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 25 मार्च को जब योगी शपथ लेंगे तो 7 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी शासन में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 साल तक एक ही व्यक्ति सीएम रहा है। 2007 में मुलायम सिंह यादव के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार हैं। 34 साल से चल रहे नोएडा मिथक को तोड़कर जीत हासिल करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ 15 साल में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर से योगी सत्ता में लौट आए हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता पर काबिज होगा। प्रदेश के 70 साल के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि ये भी सच है कि यूपी में ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए जो दोबारा सत्ता में आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इनमें संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक के नाम शामिल हैं। ये सभी मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सत्ता में काबिज हुए, लेकिन किसी का पहला कार्यकाल 1 साल का था तो किसी का 2 या 3 साल रहा है। उन्नीस के बाद से योगी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता दिलाई है। योगी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री और राजनेता होंगे जिनके नेतृत्व में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई दल फिर सत्ता में वापसी कर रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी दूसरी बार सीएम बनने वाले बीजेपी के पहले नेता होंगे। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अकेले कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वो 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। योगी 15 साल में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। उनसे पहले 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले पहले प्रत्याशी बन गए हैं। इस बार इस सीट पर 2.32% वोटिंग में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके चलते बीजेपी की जीत का अंतर भी बढ़ गया। सीएम योगी ने दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 41.2% वोटों के अंतर से पराजित किया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।